ಮತ್ತೋ ನ ಗುಚ್ಚ ಗುಚ್ಚ ಮತ್ತೋ ಮತ್ತೋ ನ ಗುಚ್ಚ ನನ್ನು तो गाइस हमें क्या मिला? कुलचे थोड़ी खाने में बहुत भूख लगी थी हमें हमें मिला खाना। इसके फोन नहीं खत्म हो रहे। ओके और ये ब्रश कर रही है। फैन बोलते हैं लोग हैं वो फैन बोलो फैन। अभी हो चुकी है सुबह और सब आए थे सरप्राइज देने। अब हम लोग सब निकल रहे हैं, मतलब हम सबको छोड़ने जा रहे हैं दृष्टि के भैया। और शाम को भी कुछ पार्टी का प्लान है, मैं अपना देखूंगी। अब बाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे हम मिल सकते हैं शाम को? मिल सकते हैं, मिलेंगे। बेबी बेबी, बुआ ने आपको डांटा था अभी? आप गुच्छा हो बुआ जी? नेल्स नहीं, अबुआ से गुस्सा हो? बेबी चिकू, अबुआ से गुस्सा हो? गुस्सा हो क्या बुआ से? बता तो दो, गुस्सा हो क्या? गुस्सा हो क्या? मत तो ना गुस्सा, गुस्सा मत तो ना गुस्सा। नन्नू नन्नू लादो। हाँ जी, आप मेरी लादो नहीं हो? छो ना, आज मेरा बाबू। Hi everyone, welcome you all in the channel Himanshi Vlogs and Lifestyle. Hope you all are fine and staying safe. So आज मेरा एक और शूट है एंड दिस शूट इज ऑफ कार प्रमोशन शूट। एक कंपनी है यहाँ पर हमारी सिटी में, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था अनदर डे ऑफ व्हेन आई डिड गैलेक्सी पिज्जाज कैफे प्रमोशन शूट ऑन सैटरडे। आई डिड दैट लास्ट सैटरडे एंड संडे को ही सुबह उनका डीएम मार रखा था अबाउट द प्रमोशन। देन मेरी बात तो हुई थी बट फ्रॉम द ट्यूजडे आई वॉज हैविंग एग्जाम्स, तो ट्यूजडे से लेके फ्राइडे तक मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था। एज वेल एज मतलब एक दिन में दो एग्जाम होते हैं तो ऑब्वियसली आई वॉज सो बिजी। एंड उसके अलावा फिर मैंने थोड़ा देखा कि थोड़ा शेड्यूल करती हूँ अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद कल एग्जाम खत्म हुए एंड आज 4th May है। आज दृष्टि का भी बर्थडे एंड मम्मा पापा की एनिवर्सरी भी है। और तो कल रात को, अभी आप पिछला व्लॉग देख चुके हो कि मैं दृष्टि के घर गई थी, जो वो लास्ट पिछला व्लॉग था। एंड उसके बाद आज अब घर आने के बाद अभी आज दोपहर को क्या है, जॉन आया है, उनकी जो चाची है मतलब जो छोटे वाले भाभी हैं उनका बेटा हुआ है कल रात को ही। अभी उनका बेबी वेलकम भी है अभी, बट उसका मुझे भी आइडिया नहीं है। बट आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू माई शूट बिकॉज मेरे पास ना वैसे कोई आइडिया नहीं था। मैंने उनको ना टाइम दिया था कि आई विल बी डूइंग दैट ऑन द सैटरडे बिकॉज मेरे फ्राइडे तक एग्जाम्स है, तो मैंने ये उनको डेडलाइन दी थी। एंड आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा डिले करा सकूँ कि मैं आज, मैं दृष्टि के बर्थडे से भी आज सुबह आई, रात को हम सोए भी नहीं हैं, बहुत 2-3 घंटे सोए, तो थोड़ा होता है फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। बट शूट थोड़ा अर्जेंट था तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, मतलब मुझे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट सेक्रीफाइस मेरा भाई कर रहा है, उसका एग्जाम है। एंड ये शूट ना थोड़ा कार्स का है, कंपनी है बड़ी, एंड मेरे को एक फोटोग्राफर ने अप्रोच किया था। इट्स नॉट ए कैफे प्रमोशन कि मैं खुद जाके किसी दोस्त से कर लूँ, तो थोड़ा बड़ा शूट है तो ऑब्वियसली मुझे था कि मेरे साथ भाई जाए या पापा का होता है, मेरे पापा ऑब्वियसली शॉप छोड़ के कैसे जाएंगे, तो मुझे यही था कि मेरे साथ भाई चले। बट उसका एग्जाम है, मैंने उसे बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि शूट अर्जेंट है, नहीं होता तो पता है। वैसे मैंने बोला था उनको कि नेक्स्ट वीक का कर लेते हैं, बट वो यही बोल रहे कि पहले भी आपने डिले करा है और शूट्स हैं तो अब करने पड़ेंगे, कि हम अपने उससे तो टाल नहीं सकते ने? तो मैंने कहा चलो ओके, मैंने थोड़ा बहुत कन्विंस कर लिया उसे। और अभी मैं नहा के आई हूँ, जो शूट होने वाला है ना वो बोसी लुक था, तो मैं आउटफिट आपको बाद में दिखाऊंगी, उससे पहले मैं अपने हेयर का कुछ करने आई हूँ। मैंने अभी हेयर वॉश किया है और हेयर वॉश करती तो जो हेयर होते हैं ना वो थोड़े ना ऐसे डैमेज स्टाइल से फ्रीज हो जाते हैं, तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं कुछ करती हूँ इनका। वेल उसके बाद स्टे ट्यून्ड, और मैं अभी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी बिकॉज आई एम ऑलवेज नर्वस। सो गाइज आई एम डन विद माई हेयर डू, और ये देखो मैंने खुद करे हैं ये कर्ल्स, वो भी प्रेसिंग मशीन से, और मुझे काफ़ी स्वीट लग रहे हैं, पीछे भी हल्के हल्के ऐसे ही हैं। सो मैंने कुछ चेंज करना था, मैंने कहा थोड़े बहुत टोन्स कर लेती हूँ सिर्फ प्रेसिंग मशीन से।
मेरे बाल बहुत हैवी हैं तो ज़्यादा नहीं हुए, बट मैंने अपना थोड़ा ट्राई किया। गाइज हम जस्ट गेटिंग लेट, मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, 3:30 हो गई, 3 बजे जाने का टाइम दिया था, 3:30 घर ही होगी क्योंकि नीचे कुछ काम हो रहा है, आपको शोर आ रहा होगा। तो भाई शॉप पे था, अब दादी को शॉप पे भेजा क्योंकि इमरजेंसी है जाना, मैं बहुत जल्दी तैयार होने वाली हूँ शूट, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। डन, और अब देखो मेरे हेयर कितने अच्छे फ्लॉन्ट कर रहे हैं, पहले बुरे लग रहे थे, और सच्ची में बिल्कुल बहुत से लोग प्यारा से था, शूट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको रूम के हालत दिखाऊँ मैं कैसे छोड़ के गई थी, ये मेरे कपड़े, ये देखो ये सब मैं ऐसे छोड़ के गई थी। यहाँ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा, ये बड़ी हो गई है, शरारती हो गई है। ये देख लो, ये देखो, ये लैपटॉप इसे ही चलाने हैं सारे, दूर हो, दूर हो मेरे लैपटॉप से, दूर हो। नो, अच्छा मैं चला रहा हूँ, मैं चला दूँ, ये चल गया पीछे हो जा। नो सो दिस इज़ द एनिवर्सरी केक ऑफ मम्मा पापा, और हम लोग खाना भी खा चुके हैं, बस केक कट करेंगे।